हेलो एंड वेलकम टू ट्यूब टाइम चैनल। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, 5 दिनों पहले लापता हुए युवक का गला कटा शव शारदा सहायक नहर में मिला है। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों व परिजनों ने शव की पहचान कर ली है। इसके बाद से छानबीन में जुट गई है पटंगा थाना की पुलिस। अयोध्या जिला के ग्राम पचलो गाँव से लापता युवक महबूब हसन, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही थी, वो पिछले 5 दिनों से अपने घर से लापता था। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी जब महबूब का कहीं पता नहीं चला तो परिजनों ने थाना पटंगा में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पटंगा थाना की पुलिस महबूब की तलाश में लग गई, लेकिन बुधवार को नहर में मिली लाश को जब पुलिस ने निकलवाया तो वहाँ मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि यह लाश पचलो गाँव से गायब हुए युवक महबूब की है। एसओ पटंगा थाना संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शाम लगभग 6 बजे उसके पिता घटनास्थल पर पहुंचे और उसके शरीर पर मिले कपड़े व हाथों में बंधे धागे को देखकर उसकी पहचान की। महबूब पिछले 9 अगस्त की शाम से अपने घर से लापता था। अभी इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं इसका कोई कुछ पता नहीं चला है। तो दोस्तों, इसी तरह की ताज़ा न्यूज अपडेट के लिए आप लोग हमारे इस चैनल ट्यूब टाइम को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दोस्तों बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।